इससे पहले की एक वीडियो में मैंने आपसे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर दिस ईयर, एंड आई हैड टोल्ड यू कि आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर मोर पार्ट्स वी आर सर्चिंग, एंड दिस इज अनदर वीडियो इन दैट सीरीज. ये सेकेंड पार्ट है. ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आई वुड वॉन्ट कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ. हाई गाइज, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फर्दर टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं, प्रिपेयर करने हैं फॉर योर अपकमिंग लॉ एंट्रेंसेस. सबसे पहला ऑपरेशन पैंजिया 14. इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट इन केस यू मिस्ड आउट ऑन दोज वीडियोस, लिंक आपको उस वीडियो का मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. नाउ ऑपरेशन पैंजिया, दिस इज़ बेसिकली रिलेटिंग टू द इनिशिएटिव टेकन बाय इंटरपोल, जो बाहर की एजेंसी है, पुलिस एजेंसी, एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कंट्रोल द सेल ऑफ फेक ड्रग्स दैट इज हैपनिंग ऑनलाइन, फेक मेडिसिन एंड फेक ड्रग्स. तो ये उससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पढ़ना है. पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. अब ये इशू आया था इसलिए बिकॉज बॉम्बे हाईकोर्ट की गाइडलाइंस आई मीडिया के लिए कि जो सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं एट वर्क प्लेस, दे शुड नॉट बी रिपोर्टेड. इसके बारे में जो इशू चल रहा था ये आपको पढ़ना है. इसके रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें पहली बार सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात हुई थी, जिसके बाद ये एक्ट आया था एक्चुअली. सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये केस किस बारे में था. देन एम पी लैड स्कीम, इसमें बेसिकली जो मेम्बर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट, दे कैन यू नो वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये यहाँ पर डेल्ट है. देन एम टी पी अमेंडमेंट बिल, ये बात करता है, दिस इज रिलेटिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब इनिशियली जो था टाइम पीरियड वो 20 वीक्स था, जिसको बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया थ्रू द अमेंडमेंट बिल, एंड दिस 24 वीक्स इज एप्लीकेबल टू सर्टेन क्लास ऑफ वीमेन, जैसे कि रेप सर्वाइवर्स हैं. तो ऐसे और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर ये जो 24 वीक्स का पीरियड है ये अप्लाई होगा रादर देन 20 वीक्स. और भी बहुत सी बातें इस अमेंडमेंट के थ्रू आई. देन मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये ऐप लॉन्च हुई थी टू इंश्योर द वन राशन वन नेशन वन राशन स्कीम, उसको इंश्योर करने के लिए ये स्कीम, ये ऐप लॉन्च हुई है, जहाँ पर बेसिकली जो हमारा नेशनल फूड एक्ट है, जो सबको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को, इनके रिलेशन में इस ऐप को डाला गया है. देन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल, ये बेसिकली बात करेगा जो अमेंडमेंट है, दिस मोर रिलेट्स टू चिल्ड्रन अडॉप्शन, चाइल्ड अडॉप्शन एंड देयर प्रोटेक्शन, एंड इसके अंदर डीएम की कुछ पावर्स एनलार्ज करी गई हैं. इनफैक्ट ये केस मैंने, इनफैक्ट ये जो हम नेक्स्ट वाला इलेक्शन लॉज भी देख रहे हैं, इनके बारे में मैंने स्पेसिफिकली अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी कवर किया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें फॉर अपडेट्स लाइक दीज. जो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं हम वहाँ ज़रूर डालते हैं. इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, ये बेसिकली दिस इज इन ऑर्डर टू लिंक द इलेक्टोरल रोल्स विद आधार. अब जब हम आधार की बात करते हैं, अगेन द के एस पुट्टा स्वामी जजमेंट जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है कि वो फंडामेंटल राइट बन गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी आर गिविंग अ लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन. तो ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं. देन लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए रूल्स लाए जा रहे हैं, ड्राफ्ट रूल्स बन रहे हैं. इससे बिकॉज कोविड में ये रियलाइज हुआ कि लाइव प्रोसीडिंग्स के थ्रू भी प्रोसीडिंग्स करी जा सकती है, ताकि कोर्ट की जो वर्किंग है वो हैम्पर ना हो, बर्डन ज़्यादा ना बढ़े. तो ये रूल्स के बारे में भी आप पढ़िए. मीडिएशन बिल, जो प्री लिटिगेशन से पहले स्टेज होता है मीडिएशन का, मीडिएशन अग्रीमेंट पार्टीज के बीच में बन जाए, इन सब के लिए ये मीडिएशन बिल लाया जा रहा है, ताकि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट को इनकरेज किया जा सके. ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल्स, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे कवर किया था. इसमें बेसिकली द कोर्ट द लेजिस्लेचर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू destroy these nine tribunals, abolish these nine tribunals and come up with another a single set of tribunal, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा tribunals इकट्ठे हो गए हैं इनसे overcome किया जा सके, centralize किया जा सके इस procedure को. All India Judicial Services, जो पहले भी बात करी गई थी 2014 में, उसके लिए भी bill लाया जा रहा है for a central appointment. इसके बारे में ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल,
दिस रिलेट्स टू बेसिकली अमेंडिंग द शेड्यूल ट्राइब्स वाला शेड्यूल इन ऑर्डर टू इंक्लूड सर्टेन कास्ट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी लिस्ट में है और कौन से शेड्यूल में पड़ती हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब आपको पता होना चाहिए. वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो आई थी रिगार्डिंग दैट सेम पेंशन विल बी गिवन टू पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसको लेके भी इशू आया था. इसको लेके एक और लैंडमार्क जजमेंट भी कोर्ट की आई थी जहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो है ये वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 14 के, बिकॉज इसमें कोई ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा रहा है एक होमोजेनस क्लास के बीच में. देन इंडिया नेपाल इशू जो चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी टाइम से, एंड नेपाल इज क्लेमिंग द थ्री टेरिटरीज ऑफ लाइपुलेख और जो ये टेरिटरीज हैं इनको नेपाल इनके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये इनका पार्ट है. एंड देव आस्ट इंडिया टू विड्रॉ देयर फोर्सेज, ये सब पता होना चाहिए. क्रिप्टो करेंसी बिल, क्रिप्टो करेंसी बिल इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया इज ट्राइंग टू मेक सम एफर्ट्स ताकि प्राइवेट करेंसी को और अच्छे से रेगुलेट किया जा सके और कुछ सर्टेन एक्सेप्शन हैं एंड इट इज दे आर ट्राइंग कि इसको हटाया जा सके. देन रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर भी बहुत टाइम से ये तो इम्पॉर्टेंट है ही इरिस्पेक्टिव, बिकॉज बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि रशियन ट्रूप्स ने इन्वेड किया है यूक्रेन एंड तब से अनरेस्ट है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के पीएम कौन है, क्या सिचुएशन है, मिलिट्री फोर्सेस कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड रिसेंटली अग्निपथ स्कीम जो आई है ये मैंने इनफैक्ट आज ही यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में इंस्टाग्राम पे इसके बारे में डाला है, वहाँ से भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. सो दीज आर दी अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स दैट यू शुड नो अबाउट. इनके पीछे का जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि किसी न्यूज़ को लेके कॉन्स्टिट्यूशन से भी उसको लिंक किया जा सकता है तो लिंक करके पढ़ें, बिकॉज हम लॉ बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े इन करंट अफेयर्स को. एंड दिस इज इट. और जो भी आता है अनदर वीडियो आई विल कम अप विद इन केस आई कम आउट विद मोर टॉपिक्स. टिल द टाइम प्रिपेयर दिस, प्रिपेयर द टॉपिक्स दैट आई गिवन इन पार्ट वन ऑफ द वीडियो. एंड अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप डाउन करें एंड इस चैनल को फॉलो करते रहें ऐसी और वीडियोस के लिए जो आपको हेल्प करेंगी इन योर प्रिपरेशन इन योर लीगल करियर. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम.